नमस्कार दोस्तों, आज हम टाइफाइड फीवर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो टाइफाइड फीवर को हम मोतीझला या फिर म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं। तो टाइफाइड फीवर जो है, जैसे जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है उसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। तो टाइफाइड फीवर उस कंडीशन में होता है जैसे किसी ने, जैसे जो दूषित पानी है, संक्रमित जूस है, या फिर जिस व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है या फिर जिसके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया मौजूद है, उसका झूठा खाना खाने से भी टाइफाइड फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में जिसको टाइफाइड फीवर होगा, उसकी जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रभावित करेगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को, और ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिससे जो फीवर है वो बना रहेगा और रोगी की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाएगी और फीवर उसका खत्म नहीं होगा कई तरीके की दवाइयां लेने के बावजूद भी। तो यह जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में जाता है और लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो के जरिए जो वाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया है वो बढ़ता जाएगा और फीवर जो है वो खत्म नहीं होगा। पहचानने का तरीका, जिसको टाइफाइड फीवर है कैसे पहचानेंगे, बिना टेस्ट किए हुए, यानी इसके बिना जांच कराए हुए। तो अगर जिसको टाइफाइड फीवर बिगड़ गया है उसका, तो आप जैसे मैं धूप में अभी बैठा हूँ, तो आप उस मरीज को धूप में बिठा लोगे और बिठाने के बाद आप उसकी गर्दन को देखोगे तो उसकी गर्दन है वो बिल्कुल यानी चमकेगी उसकी सूरज की रोशनी के सामने। दूसरा तरीका यह है, उसको सामने बिठा लो और उसके जैसे जो चेस्ट के पास के बटन खोलकर आप जो थाली है उसमें पानी भरिए और यानी उसका जो चेहरा है सूरज की तरफ उसकी रोशनी पड़नी चाहिए। थाली में जब आप पानी को देखेंगे तो वो पानी बिल्कुल जो मोतियों की तरह उसमें चमकता हुआ दिखाई देगा, तो आप समझ लेना उसको टाइफाइड फीवर है। और जब ये फीवर धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ये गले से जो चमकता हुआ वो धीरे धीरे छाती तक आ जाएगा, यानी यहाँ पर साइनिंग वो खत्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट किस तरीके से देना चाहिए इस तरीके के मरीज को। तो अगर ये किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, तो एक आप केकड़े को जानते हैं जिसे हम क्रैब बोलते हैं, तो आप केकड़ा कहीं से लेकर आइए, चाहे पकड़ के लाइए, और उसको आप बॉयल करिए पानी में। आपको करना पड़ेगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप केकड़े का पानी दे सकते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो उसको मालूम ना चल पाए तो इस केकड़े को आप बॉयल करिए। अच्छी तरह बॉयल करने के बाद आप इसको 3 या 4 बार यानी ठंडा करके, यानी गुनगुना पानी आप उसको दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ दिन में जो टाइफाइड फीवर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब बात करेंगे हम किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है टाइफाइड जो रोगी है उसको देना चाहिए। तो साइक्लोन एक टैबलेट आती है, तो साइक्लोन टैबलेट के अंदर डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है। तो इस टैबलेट को आपको बीडी देना है जिसको टाइफाइड फीवर है, और आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक इंग्रेडिएंट्स का नाम है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आपको 250 या 300 mg में, रोगी की जो उम्र है उसके हिसाब से सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो टैबलेट है वो आपको दिन में 2 बार यानी आपको बीडी देनी है, यानी साइक्लोन टैबलेट आपको यानी डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट आपको दिन में 2 बार बीडी उसको देनी है, और ग्लोसिड 150 या फिर ग्लोसिड ज़्यादा mg की अगर टैबलेट आपको मिल जाए जिसके अंदर रेनिटाडाइन इंग्रेडिएंट्स रहता है, तो अगर ग्लोसिड नाम से टैबलेट ना मिले तो आप रेनिटाडाइन में भी टैबलेट दे सकते हैं। ये टैबलेट आपको बीडी देनी है, लगभग आपको 5 दिन तक ये टैबलेट देनी है, और आपको साथ में मल्टीविटामिन सिरप या फिर मल्टीविटामिन जो टैबलेट है उसको आपको मरीज को देना है कम से कम 7 दिन, और आपको WHO जो ORS है ORS का घोल भी उस मरीज को देते रहना है जब तक कि फीवर कम ना हो जाए। और आपको जो इंजेक्शन के तौर पर, आप जैसे कई तरीके के इंजेक्शन आते हैं, मैंने तमाम वीडियो बना दिए हैं, तो मिकासिन 500 इंजेक्शन आपको देना होगा। अगर बच्चे को फीवर है तो मिकासिन आप 100 इंजेक्शन भी IV दे सकते हैं, और डेक्सा 1 ml, और साथ में आप जैसे अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कार्बोनेट जैसे 500, अगर कम उम्र का बच्चा है तो 250, 500 या फिर 1 ग्राम में उसकी स्थिति के अनुसार आप दीजिए, और
पेट में और आंतों में इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप सेबेक्ट 1 ग्राम या फिर 500 या 250 300 जितने एमजी में यानी उम्र के अनुसार आप सेप्टिया जोन इंजेक्शन भी आपको आईवी देना होगा। और ड्रिप की बात करें तो ड्रिप आपको डीएनएस अगर उसको ठंड लगे तो आप ड्रिप को बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप 5% उसको रोगी को देके रोगी को देना चाहिए। अगर उसको टाइफाइड फीवर के साथ में वॉमिटिंग और लूज मोशन है तो आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट देना होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है आपके कहने पर यह वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको केकड़े का पानी आपको लगभग जब तक फीवर कम ना हो जाए तो केकड़े का जैसे आपने आज एक केकड़ा बॉईल करके आपको दिन में 4 बार उस रोगी को देना है, कम से कम 7 दिन आप इस तरीके का केकड़े का पानी पिलाएं, यानी आपने आज पिलाया कल 7 दिन तक ये करना है। और आपको डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड में आपको एक टैबलेट बीडी और सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 mg में टैबलेट आती है वो आपको बीडी देनी है, और ग्लोसिड 150 यानी रेनिटाडाइन आपको टैबलेट बीडी देनी है, मल्टीविटामिन कैप्सूल या फिर सिरप आपको पेशेंट को देनी है, और WHO ORS देना है। बाकी के जो इंजेक्शन है वो आपको लगाने हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में जो टाइफाइड फीवर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और रोगी की स्थिति में जो सुधार होता जाएगा। पर आपको एक एंटीबायोटिक जरूर आपको देना है, मैक्सक्लैब 1.2 ग्राम या फिर उसकी स्थिति के अनुसार अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कॉल्बुनेट इंजेक्शन आपको जरूर लगाना है जल्दी ठीक करने के लिए। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो हो सकता है जो ये फीवर बिल्कुल माइंड तक पहुंच जाए, क्योंकि मैंने एक हॉस्पिटल में जो मरीज है उसको टाइफाइड फीवर था तो स्थिति खराब हो सकती है। और एक और तरीका होता है जैसे आयुर्वेद के जरिए, तो आयुर्वेद के जरिए भी हम टाइफाइड फीवर को कम कर सकते हैं, बस अर्थ है आपको जो संक्रमित खाना है दूध है इस तरीके का, और जिनको टाइफाइड फीवर है इस तरीके के व्यक्ति का चाहे आपका फैमिली मेम्बर क्यों ना हो आप उनका झूठा ना खाएं, आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। यानी इस तरीके के मरीज का जो लक्षण है वो उसका पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको ऐसा लगे कि कई दिनों से फीवर है वो जा नहीं रहा है तो आप उसको धूप में बिठा लिए और चेहरा उसका सूरज की तरफ यानी सन की तरफ होना चाहिए, आप उसकी गर्दन की तरफ देखेंगे तो उसका जो गर्दन की तरफ में जो झिलमिलाता हुआ उसकी गर्दन उसको दिखाई देगी आपको। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि टाइफाइड फीवर कितना है तो आप थाली लीजिए उसमें पानी डब भरिए और यानी रोगी को चेस्ट उसमें यानी रोशनी है जो गर्दन की इस तरफ आपको दिखना चाहिए पानी में, तो आप देखेंगे कि जो चमकता हुआ पानी आपको दिखाई देगा तो आप समझ लीजिए उसको टाइफाइड फीवर है। और टाइफाइड फीवर ठीक होता जाएगा तो आप देखेंगे कि जो गर्दन में जो चमक है वो कम होती जाएगी और वो चेस्ट तक धीरे धीरे कम होती जाएगी। पूरा तरीके से ठीक होने पर पूरी तरीके से आपको फिर वो साइनिंग जो है सूरज के सामने आप देखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगी। इस तरीके के मरीज के जो लक्षण होंगे जैसे बार बार फीवर आना, भूख में कमी, सिर दर्द, बदन में दर्द और लूज मोशन, सुस्ती और वॉमिटिंग इस तरीके के मरीज को हो सकती है और साथ साथ कमजोरी का महसूस होना, तो आपको इस तरीके बेस्ट तरीका यह है कि मरीज को उस समय क्या है जैसे फीवर होगा 100% और उसको हो सकता है उसको वॉमिटिंग हो सकता है उसको लूज मोशन हो सकता है उसको सिर दर्द हो इस तरीके की समस्या है, तो उसके अनुसार आपको बाकी के जो ट्रीटमेंट है दवाई लूज मोशन है तो आपको 5% की जगह RL देना पड़ेगा, बाकी का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब बता दूं आप जो भी कमेंट करते हैं वो कमेंट आप पूरी कमेंट किया करें, अधूरी कमेंट ना करें, क्योंकि जब भी कुछ दिन पहले यानी कल ही मेरे पास ममता नाम से कमेंट आई थी तो उनको यानी मेरे ख्याल से मेंटल डिसऑर्डर की समस्या है, तो ये दवाइयाँ जो एक टेबलेट जो मैंने एक वीडियो बनाया था अभी उसका मेरे को इंग्रेडिएंट्स का नाम नहीं मालूम है, सेंडू 20 टेबलेट है उसको वो टैबलेट दी जा रही है पर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था आपके सिर में दर्द रहता है, आपको नींद नहीं आती और आपको सपने में कुछ दिखाई देता है, तो उनने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मेरी समझ में नहीं आया। तो आप पूरी कमेंट करिए, अधूरी कमेंट ना करिए, मैं ऐसे नहीं, क्योंकि जो मेरा मतलब ये था कि आपको नींद नहीं आती यानी
आपको माइंड पे शायद हो सकता है, दिमाग से जुड़ी कई तरीके की बीमारी होती है जैसे माइग्रेन, डिप्रेशन, डिस्थीमिया, सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया वाले जो मरीज हैं या फिर डिस्थीमिया वाले जो मरीज हैं उनको रात में सोते समय जैसे भूतों का दिखाई देना या फिर इस तरीके के लोगों को जो प्रताड़ित कर रहा है तो उनसे उनको डर जाना, किसी चीज़ से डर जाना, फोन आने पर डर जाना, तो पूरी बात आप करिए तभी जाके मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। दूसरा बात, जैसे मेरे पास कल ही एक कमेंट आई थी, कल या परसों, तो उनकी जो भाभी हैं उनको जैसे वो खाना खाती हैं तो खाना खाने के बाद में उनके पीठ में दर्द होता है और उनको साथ में वॉमिटिंग भी हो जाती है, वॉमिटिंग में जो है ब्लड निकलता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है कि उनकी जो भाभी हैं उनको कौन सी बीमारी है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है और वीडियो बनाने के बावजूद अगर आपने, हो सकता मुझे लगता है आप 100% जवाब दे देंगे, द्वारा मैं बता रहा हूँ उनकी भाभी को जैसे जो डॉक्टर है कई तरीके का उनने ट्रीटमेंट डॉक्टर को कराया तो उनकी समझ में, उन्होंने जैसे कई दिनों से वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके बावजूद डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जबकि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है तो वो जब भी खाना खाती हैं उनकी भाभी, खाना खाने के बाद उनको जब भी वॉमिटिंग होती है, यहाँ पर पेन होता है पेट के पास में और वो पेन तुरंत जब भी खाना खाती है यानी उसी समय पेन होता है और पेन पेट तक होता है तो उनको कौन सी बीमारी है। तो आपको यह जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है, अन्यथा आप दूसरा क्वेश्चन मेरे से ना करें, पहले आप इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना। तुम सही कहते लोग, के बुढ़ापे में ना दिमाग बच्चे का हो जाता लातों के।